भाभी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? सुफियान ने मुझे पैसे दिए थे, मैं कपड़े बनवा चुकी हूँ। सुल्ताना, तुम्हारे वो कपड़े देखे हैं, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा है कि तुम वो नहीं ये कपड़े पहनोगी। तुम समझने की कोशिश करो ना सुल्ताना। सलार के बिजनेस कम्युनिटी के लोग आएंगे, मेरे फ्रेंड्स आएंगे, और तुम इतने चीप और सिंपल से कपड़े पहन के घूमोगी, लोग तुम्हें देख के क्या कहेंगे? मैंने तो खैर पूरी कोशिश की थी कि वो कपड़े एक्सचेंज करा दूं, लेकिन हुए ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि जाया करूं या किसी मेड को दे दूं, इससे बेहतर है कि तुम्हें दे दूं। अब तुम जानती तो हो कि सबसे पहला हक गरीब रिश्तेदारों का ही होता है। क्या सोच रही हो? भाभी, असल में मैं चाह रही थी कि मेरे बेटे ने जो कपड़े लाकर दिए हैं ना, मैं उसकी खुशी में वही पहनूं। इसलिए मुझे लगता है ये तुम लोगों का खानदानी मसला है। तुम लोग दूसरों की बात तो सुनते ही नहीं हो। तुम अगर अपनी भतीजी को बहू बनाकर इस घर में ले आई हो, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो मेरे घर को टेक ओवर करेगी। इवेंचुअली उसे भी मेरी ही बात सुननी होगी। सुल्ताना, अब तुम ये प्रेजेंट एक्सेप्ट कर रही हो या फिर मैं? नहीं, भाभी ठीक है, आप जो लाएंगे हैं ठीक है, मैंने कभी पहले आपकी बात से इनकार किया है, मैं पहन लूँगी यही कपड़े। वो सारा पॉलर नहीं जाएगी क्या? नहीं, सारा मेरी बहू है, घर पे तैयार होगी। बुला लिया मैंने मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, लेकिन बाय द वे, सारा है कहाँ? थक गई थी ना, सो गई है, आराम कर रही है। नहीं, मैं परवीन को भेज के उसे अभी बुलाती हूँ। परवीन? नहीं, क्या जरूरत है? एडिसन लेके सोई है, उसने मुझे कहा था कि उसको डिस्टर्ब ना करें कोई, थोड़ी देर नींद पूरी कर ले, जब तक आप तैयार हो जाएं तो वो भी तैयार हो जाएगी। देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।